हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.7 के लास्ट थ्री क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या गिवन है? अ राइट ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, फिगर जो है वो मैंने बनाया हुआ है। आई एक्सप्लेन कि मैंने कैसे बनाया है। बुक में फिगर गिवन नहीं था। अ राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अराउंड द साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमारे पास एक राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल मीन इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, सपोज मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री, और मैंने इसको नाम दिया ए बी सी। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं साइड्स 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है, तो इसमें सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी है हमारी 13 सेंटीमीटर, और हमें पता है सबसे लार्जेस्ट साइड क्या होती है हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस कौन सी होती है 90 के सामने वाली, इट मीन्स हमारी जो ए बी साइड्स है वो हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है। राइट, नेक्स्ट दो साइड्स बची 5 और 12, तो इसमें से एक बेस होगा और एक हाइट होगी। ठीक है, तो कौन सा बेस कौन सी हाइट होगी उसके लिए हम आगे पढ़ते हैं कि किसके अराउंड रिवॉल्व किया गया। तो रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, तो जिसके भी अराउंड रिवॉल्व किया जा रहा है उसे हम हाइट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट क्या होगा इसका परपेंडिकुलर, तो ये साइड होगी मेरे पास 12 सेंटीमीटर और जो ये बची बीसी दैट विल बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉफ्ट है। तो ये कह रहा है कि जब आपने इसको इस एसी के अलोंग रिवॉल्व किया, मतलब ये आपकी एसी साइड है, आपको कैसे घुमाना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसको घुमाना है इसके अराउंड। तो जब आप इसको इसके अराउंड घुमाएंगे इस फिगर को, तो ये साइड तो कॉन्स्टेंट रहेगी एसी, ये बी घूमेगा उस तरफ, तो ये किस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा या नहीं। ठीक है, इस तरीके से घूम जाएगा। अब इसको इससे यहां से अपन ज्वाइन करवा देंगे। तो आपसे पूछ रहा है जो ये फिगर बना इसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ऐसे रिवॉल्व करने से जो ये फिगर बन रहा है दैट इज अ फिगर ऑफ कॉन। ठीक है, तो इसी फिगर को मैंने यहाँ क्लियरली बनाया हुआ है। यहाँ पे भी देखिए बीसी 5 था हमारा, बीसी 5 है, एसी हमारा मैंने लिख दिया 12 और ए बी 13 है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे हमने रिवॉल्व किया है। राइट, अब हमसे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सॉफ्ट एंड। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि जब हमने रिवॉल्व किया तो जो सॉलिड बना वो क्या है, कौन है। तो अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द कौन कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इन सॉल्यूशन हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन, क्या फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। ठीक है, तो इस फिगर से हम क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी रेडियस क्या है बीसी। ठीक है, बीसी इज व्हाट अ रेडियस। राइट, और रेडियस कितनी है यहाँ पे 5 है। ठीक है, आर इज 5 सेंटीमीटर। हाइट की बात करें तो मैंने बताया जिसके अराउंड रिवॉल्व किया जा रहा है उसी को हमने हाइट लिया है दैट इज एसी। तो एसी क्या है यहाँ पे अपनी हाइट है। राइट, तो हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो एवरीथिंग इज नोन टू यू, पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1/3 πr एज इट इज, आर की जगह 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 और h दैट इज 12। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, सो इट विल बी पाई, 5 × 5 = 25, 4 = 100। राइट, तो ये हमें मिला 100 πr। तो एनसीईआरटी की बुक में जो सॉल्यूशन है दैट इज 100 πr, अगर हम चाहते हैं तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं दैट इज 100 × 3.14। ठीक है, तो पॉइंट हटाओगे नीचे डबल जीरो आएंगी, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर आएगा 314 cm³। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द वॉल्यूम ऑफ द कॉन सॉफ्ट इन। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 से ही लिंक्ड है। क्या है क्वेश्चन, इफ राइट ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन 7। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन 7, मैंने भी क्वेश्चन 7 का फिगर इरेज नहीं किया है। इन अबाउट इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि हम किसके अलोंग 12 सेंटीमीटर के अलोंग इसको रिवॉल्व कर रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल को, तो हमें ये इस तरह का कॉन मिल रहा था। राइट, अब आपसे क्या कह रहा है कि सेम आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी जो हमने प्रीवियस केस में लिया था इन दिस वे। ठीक है, ये अपना
90 डिग्री था यहाँ पे। अब इसका जो रिवॉल्वमेंट है, जो इसको रिवॉल्व करना है, वो किसके अलोंग करना है आपको, 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अलोंग, मतलब अब इसके अलोंग रिवॉल्व करवाना है। तो ये साइड तो रहेगी कॉन्स्टेंट और ये दोनों साइड क्या है, घूमेंगे। तो अगर ये घूमेगा, देखिए ये साइड है, अब हमें इस तरीके से रिवॉल्व करना है, इस वे, ठीक है। तो इस वे में ये कैसे रिवॉल्व होगा, ये जो ए पॉइंट है वो एक बार उठ के इस तरीके से ऐसे नीचे आएगा, ऐसे तो रिवॉल्व होगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास फिगर मिलेगा वो ये फिगर मिलेगा, राइट। तो अभी भी हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, राइट। तो अभी भी हम क्या देख पा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, कॉन ही मिल रहा है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस, ठीक है। दिस वाज फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 के फिगर की बात करेंगे तो इस तरह का फिगर बनेगा, राइट। अब यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये हमारा बेस हो गया सर्कुलर वाला, रेडियस कितनी बन गई हमारी 12। तो इन दैट केस चेंज किसमें आएगा, सिर्फ रेडियस और हाइट में। अब यहाँ रेडियस कितनी हो गई मेरी, एसी, दैट इज 12 सेंटीमीटर, राइट। और हाइट क्या हो गई, जिसके अलोंग आपने रिवॉल्व किया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देखें, लेटा हुआ है कौन, तो ये क्या है इसका रेडियस, ये क्या है इसकी हाइट, और ये ए भी क्या बन गई, स्लांट हाइट, राइट। तो हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर। अभी भी हमने वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन दैट विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वैल्यूज रख देंगे 1/3 पाई एज इट इज आर स्क्वायर, अब आर है अपना 12, तो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 और एच कितना है 5, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस 3 1 जा 3 3 4 जा 12, सॉल्व करवाएंगे सो इट विल बी 5 4 जा 20 होता है, और 20 इंटू 12 पाई एज इट इज 20 इंटू 12, इसको सॉल्व करवाएंगे पाई एज इट इज, दिस विल बी 12 2 जा 24, तो इट विल बी 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के बुक में आंसर गिवन है, राइट। और अपन को अगर पाई की वैल्यू रखनी है, ठीक है, अगर अपन पाई की वैल्यू रखते हैं, दिस विल बी 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और अगर पाई की वैल्यू रखते हैं तो 240 × 3.14, इसको आप सॉल्व करवा लेंगे सो यू विल गेट योर सॉल्यूशन, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो जो 5 सेंटीमीटर के अलोंग रिवॉल्व किया से जो सॉलिड बना उसका वॉल्यूम, तो हमने कैलकुलेट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन में वॉल्यूम मिला था और जो इस क्वेश्चन में वॉल्यूम मिला है, उन दोनों का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर इन दिस पार्ट, सो वी विल राइट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, या इसको हम डायरेक्टली सॉलिड की जगह लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन इन क्वेश्चन नंबर 7 या ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉन इन क्वेश्चन नंबर 8। सो दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 7 में अभी हमने सॉल्व किया था तो उसका आंसर आया था 100 पाई, और यहां से क्या आंसर आया है 240 पाई, ठीक है 240 पाई। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, सो दिस विल बी 10/24। फिर से आप इसको 2 की टेबल से कट कर सकते हैं, 2 5 जा 10 और 2 12 जा 24, तो हमारा रेशियो कितना आ गया 5:12। सो दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉर्न, ठीक है, मतलब गेहूं का ढेर है जो कि किस फॉर्म में है, कॉर्न की फॉर्म में। सबसे पहले अपन फिगर बना लेते हैं, राइट, ये आपका एक वीट का हीप है, ठीक है, दैट इज हीप ऑफ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न हुज डायमीटर इज 10.5। तो हमें डायमीटर क्वेश्चन में दे रखा है, डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 मीटर। तो सबसे पहले हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस विल बी डायमीटर अपॉन 2, दैट विल बी 10.5 अपॉन 2 मीटर। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करवा रहे, कैलकुलेशन में कर लेंगे। एंड हाइट इज 3 मीटर, और हाइट जो है दिस वन, दिस इज द हाइट,
ये आपको दे रखी है 3 मीटर, राइट। फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कॉन शेप है, तो कॉन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr² h। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, बाद में सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ वीट, या इसको हम वॉल्यूम ऑफ कॉर्न भी कह सकते हैं, दैट इज 1/3 πr² h। 1/3 एज इट इज, पाई हमें क्वेश्चन में दे रखा है 22/7 लेना है। आर आर कितना हमने कैलकुलेट कर लिया 10.5/2, तो इसका स्क्वायर है, तो 10.5/2 इंटू 10.5/2 मल्टीप्लाई एच। एच कितना है अपने पास, दैट इज 3, ठीक है। तो इसको बेसिकली हमें सॉल्व कर रहे हैं, या इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज 1/3 22/7 10.5/2 10.5/2 इंटू एच, दैट इज 3, राइट। अब इसे हमें सॉल्व करवाना है, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 3 आएगा, 5 के साथ मिलेगा 35, 7 5 जा 35, तो ये मिल जाएगा 1.5, राइट। और कुछ कैंसिल होने लगा, तो जो बचा है उसे हम लिख लेते हैं पहले, 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 अपॉन में 2, ये आपको मिला अल्टीमेटली, ठीक है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व करवा लेते हैं। सबसे पहले 11 और 1.5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 15 1 जा 15, 1 कैरी जाएगा, 15 1 जा 15 और 1 16, और पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, तो 16.5 आ जाएगा। अगेन 10.5 से मल्टीप्लाई होकर डिवाइड बाय 2 हो रहा है, ठीक है। तो 16.5 इंटू 10.5 हम करवा के देख लेते हैं कितना आता है, दैट इज 10.5, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 32, 5 1 जा 5 4 3 8, 0 से करवाएंगे तो 000, फिर 1 से कराएंगे तो सेम नंबर रिपीट हो जाएगा, दिस विल बी 5 2 13 7 और 1, और पॉइंट के बाद 2 है डिजिट, तो 173.25 अपना मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ जाएगा, 173.25, और इसमें अब डिवाइड किसका लगाना है, 2 का, ठीक है। सो इसको हम यहाँ करवा के देख लेते हैं, 173.25 को 2 से डिवाइड करवाएंगे, कितना आएगा, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 3 कॉपी करेंगे, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, ठीक है। फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, अब 2 कॉपी करेंगे, फिर से 2 6 जा 12, 0 रिमाइंडर, 5 कॉपी करेंगे, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आएगा और पॉइंट लगा हुआ है, तो हम 0 उतार सकते हैं, और 2 5 जा 10, और रिमाइंडर आ गया 0, राइट। तो आंसर आया 86.625 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो इसे सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी दैट इज मीटर क्यूब, क्योंकि हमें सारी डायमेंशन मीटर में गिवन है, तो दिस विल बी मीटर क्यूब, ठीक है। सो दिस वॉज योर पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आंसर है 86.625 मीटर क्यूब। अब आगे कह रहा है, द हीप इज टू बी कवर्ड विद कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अब जो ये हीप है वीट का, इसके ऊपर हमें इसे रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए कैनवास लगाना है, राइट। सो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, तो आपसे ये पूछ रहा है कि कितना कैनवास इस पे लगेगा, उसका एरिया कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका जो कैनवास हम लगाना चाह रहे हैं, वो कैनवास कहाँ लगेगा, इसकी कर्ड सरफेस पे लगेगा। भाई नीचे थोड़ी लगाएंगे तंबू, तंबू कहाँ लगाएंगे, इसके ऊपर से रखोगे तो कर्ड सरफेस पे आएगा, और कर्ड सरफेस जितना इसका होगा उतना ही हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, कैनवास का एरिया रिक्वायर्ड होगा। तो अल्टीमेटली हमें सेकेंड पार्ट के लिए क्या कैलकुलेट करना है, इस फिगर का, इस कॉन का कर्ड सरफेस एरिया, हमें फॉर्मूला पता है पाई आर एल, तो हम पाई आर एल की वैल्यू निकाल देंगे और उतना ही एरिया हमें कैनवास का रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो कॉपी कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू रेज दिस, सो विल राइट एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ
कैनवास विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, सी एस एस स्टैंड फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, राइट। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, पाई आर एम, ठीक है, पाई आर एम, हमारे पास पाई है 22/7, आर है 10.5/2, बट एल अभी अननोन है, ठीक है। क्या हम एल निकाल सकते हैं? यस, हमें रिलेशन पता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। सो एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमें पता है, ठीक है। अब इसके लिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करवा लेते हैं, या तो जो 10.5/2 मीटर था इसको अगर हम सॉल्व करवाते हैं रेडियस को, तो दिस विल बी 2 5 10, 2 2 4, 1 बचेगा 2 5 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5.25 मीटर अगर हम 10.5/2 करते हैं तो, ठीक है। सो अब हम वैल्यू रखते हैं, एल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर कितना है 5.25 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस में क्या है एच का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर, राइट। सो एल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5.25 इंटू 5.25, इसको हम मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं कितना आता है, 5.25 इंटू 5.25, इसका स्क्वायर निकालना है, चूंकि हमें 5 5 10 और 2 12, 5 5 25 4 1 26, 5 2 10 2 2 4 1 5 5 2 10, 5 5 25 2 1 26, राइट, ऐड करेंगे 5 2 16 5 7 2, तो ये हमारे पास आया 27 5 6 2 5, और पॉइंट के बाद टोटल 4 डिजिट्स हैं, तो 27 के बाद पॉइंट आ जाएगा, सो दिस विल बी 27.5625 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो इसमें हमें 9 ऐड करना है, तो अगर हम इसमें 9 ऐड करते हैं तो देखिए क्या आएगा अपने पास, सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 6 5 0.7, में 9 ऐड करोगे 16 आएगा, और 1 कैरी जाके 2 के साथ 3 हो जाएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 36.5625 विल गिव यू 6.05। स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, जब अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 6.05 मीटर, राइट। अब हमें सिर्फ फॉर्मूले में, दैट इज कर्व सरफेस एरिया पाई आर में, एल की वैल्यू रख देंगे, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 5.25, तो विल गेट अवर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस, ठीक है। सो यहां से हमें पता है एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो हमें क्या निकालना है, सी एस ए ऑफ कॉन, दैट इज इक्वल टू पाई आर एम, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 10.5/2 रख लेते हैं, और एल अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 6.05, ठीक है। सो यहां से कुछ कैंसिल हो रहा तो कर देते हैं, 2 1 2 2 11 22, 7 1 7, फिर से 7 1 7, पॉइंट लगाओगे 35 बनेगा, 7 5 37, तो यहां से मिला 11 इंटू 1.5 इंटू 6.05, ठीक है। तो हम अल्टीमेटली इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, 15 1 15, 1 कैरी जाएगा, 15 1 15 और 1 16, तो दिस विल बी 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.05, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई करवा के आप देख लेंगे तो आंसर आएगा 99.825 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इतना कैनवास का एरिया हमें रिक्वायर्ड होगा टू कवर द हीप ऑफ व्हीट, ठीक है। सो दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को मोर अपडेट्स के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 13.8 के इंट्रोडक्शन के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।